हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, ये सौरभ डॉग चैनल, आपका अपना चैनल, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सौरभ वर्मा, यूपी वाराणसी से। हेयर वी हैव विस्की एंड विस्की इज़ अ चिवावा। अगर बहुत सारे लोगों को ना पता हो तो मैं बता दूँ, इट्स अ टॉय ब्रीड। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत शार्प माइंडेड होते हैं और बहुत नॉटी होते हैं। अब ये पहली बार मेरी गोद में आया तो थोड़ा सा डरा हुआ है, थोड़ा सा शर्मा भी रहा है, बट ये बिल्कुल भी शर्मीले नहीं होते हैं। और बेसिकली आप इनको, एक मूवी आई थी शाहिद कपूर की, फटा पोस्टर निकला हीरो, कौन सा सॉन्ग था यार वो, हाँ, तू मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ। आप उसमें एक्ट्रेस के हाथों में इसका ब्राउन शेड आप देख सकते हैं, तो ये ब्लैक एंड वाइट कलर बहुत ही रेयर कलर है, बहुत यूनिक, बहुत खूबसूरत सा है। सो राइट नाउ वी हैव 7 पपीज ऑफ चिवावास। हमारे पास ब्राउन शेड में चिवावास है, वाइट में है, ब्लैक एंड वाइट है, और ब्राउन यानी कि टैन कलर में भी चिवावास हैं। सो वी हैव 4 मेल एंड 3 फीमेल्स, 7 पपीज हमारे पास चिवावा के हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा, और इसको आप कितनी भी छोटी जगह पे रख सकते हो, घर में, अपार्टमेंट में, 1 BHK, 2 BHK, छोटा फ्लैट है, इवन आप एक रूम में भी रहते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा जगह नहीं चाहिए होता, ये बहुत ज़्यादा जगह ऑक्यूपाइड नहीं करते। एंड दीज आर रफ एंड टफ ब्रीड्स। अगर आप वैक्सीनेशन इनकी टाइम टू टाइम प्रॉपर करा रहे हैं तो कोई भी इशू नहीं होता, लीवर वगैरह इनका एकदम स्ट्रांग होता है, आँखों में बहुत ज़्यादा कीचड़ नहीं आते। थोड़ा सा आपको इनके आईज़ का ध्यान रखना होता है कि आपके घर में अगर नीचे ऐसे नुकीले कोने हो, चाहे बेड में, चाहे सोफे में, चाहे आपका शूज़ रखा हो, जो आजकल बड़ा कोनिकल फेस वाला शूज़ आता है, ये दौड़ते हुए जाते हैं और अक्सर अपनी आँखों में चोट लगा लेते हैं। तो वोडाफोन वाला पग और चिवावा, इन दोनों की बड़ी आंखें होती हैं तो थोड़ा सा आई सेंसिटिव होते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है ना बिस्की। और ये पूरा देखिए एकदम दो पैरों पे प्रॉपर खड़ा है, अपने आप से खड़ा है, हो जाता है ना, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट है। आप देखिए छोटा सा कॉलर लगा हुआ है, ये अपने बेड पे अभी आराम कर रहे हैं। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सौरभ आपके साथ, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।